वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त। मैं आपके लिए एक और वीडियो, एक और टॉपिक। मेरा नाम सिकंदर, आप देख रहे हो एस के डी भाई को। जैसा कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में देख लिया, आज के सिनेरियो में टॉपिक रहेगा वो रहेगा बीएमडब्ल्यू जीएस। और जीएस पर काफी सारा डाउट रहता है कि भाई हम उसमें किस तरीके का क्रैश गार्ड लगाएं, किस तरीके का वाइजर लगाएं, हैंड गार्ड कौन से, रीडर ग्रिल कौन सी, फॉग लाइट कौन सी। तो इसमें जो सब्सक्राइबर ने हमारे जो आए थे हमारी शॉप पर, जो हमारी शॉप है एस के डी बाइकवर्ल्ड करके दिल्ली करोल बाग नए वालन मार्केट, और इसमें जो उन्होंने एक्सेसरीज लगवाई है मैं आपको दिखाता हूँ। जितनी चीज़ें होती हैं वो कस्टमर की नीड के हिसाब से होती हैं। तो डजेंट मैटर आप लोगों को कौन से कलर का करवाना है सेटअप, आपके पास सिग्नेचर कलर है तो उस पर कौन सा थीम आप मैच कराना चाहते हो, चाहे चेसी से मैच कर लो क्रैश गार्ड को या फिर अपनी बाइक के कलर से मैच कर लो। तो इसमें जो क्रैश गार्ड लगाया है वो लगाया है इस बार ग्रे कलर का, यानी सिल्वर कलर का, जो कि लुक चेक करो इसका कितना ज़्यादा। बल्कि सिंगल पीस, सिंगल पीस में है एक साइड का, सिंगल पीस में है उस साइड का, क्योंकि दोनों एक साथ तो लगेंगे नहीं, तो सिंगल पीस। बाकी इसमें एक ऐसा आता है आप लोगों ने देखा होगा जो एक पार्ट यहाँ का आता है फिर एक पार्ट नीचे का अलग आता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें स्लाइडर लगा रखे हुए एडवेंचर के, जो कि बहुत ही कहते हैं ना एक ज़बरदस्त लुक दे रहा है। और सेफ्टी तो है ही स्लाइडर्स की, वो तो अलग लेवल पर है। तो ये स्लाइडर्स हो गए जो कि इसको हटा भी सकते हो, ये यहाँ से हट जाते हैं, आगे पीछे कर सकते हो, या अगर आपको लगता है इसकी पोजीशन ठीक नहीं है तो इसको एडजस्ट कर सकते हो इस जगह पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, जहाँ आपको लगता है भाई कि मुझे ये स्लाइडर इस जगह चाहिए। तो ये रिमूवेबल है, इसको कहीं भी आप हटा के रिमूव कर सकते हो और हटा भी सकते हो, लगा भी सकते हो। स्लाइडर के बाद बात चल रही थी क्रैश गार्ड की, तो क्रैश गार्ड का लुक देख लो। ये जो क्रैश गार्ड मैच किया, ये किया है इस वाले पार्ट से, सिल्वर सिल्वर मैच हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा किलिंग लुक आ रहा है इसका। और अगर ये ब्लैक लगाते तो इतना दिखता नहीं, लेकिन सिल्वर काफ़ी ज़्यादा यार अच्छा लग रहा है पर्सनली। बाकी फ्रंट से देख लो एक बार, इसका भी काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। क्रैश गार्ड के बाद अगली चीज़ है इसमें फॉग लाइट, वो भी 4 LED विद क्लैंप के साथ। ये जो क्लैंप है ये लूज़ ना हो इसलिए रहता है। और इसका मैं आपको दिखाता हूँ एक आइडिया के लिए कि इसको ऑन करते हैं उसका जो है फोकस वगैरह कैसा है। कैच होती नहीं मुझसे यार, पहली बार हो गई। चलो बीच में एक तो गाइस इसका इग्निशन ऑन करके मैं आपको इसका फोकस दिखा देता हूँ। और ये इसका स्विच है फॉग लाइट का, और इसको हम जब ऑन करते हैं तो लो जी ये हो गया है ऑन, और इसका फोकस भी काफ़ी अच्छा है। बाकी फॉग लाइट की काफ़ी सारी वैरायटी और है, तो ये ज़रूरी नहीं है यार आप लोगों को यही वाली फॉग लाइट लगानी है, और बाकी काफ़ी सारी फॉग लाइट के डिज़ाइन और अपने पास मैट डॉग भी मिल जाएगी जिन लोगों को मैट डॉग लगानी है। इसको कर देते हैं बंद, ठीक है जी। इसके अलावा गाइस यहाँ पर ये जो स्विच है ये काफ़ी प्रीमियम स्विच है, और ये जो यूज़ है इसका, इसको मैं बताता हूँ आपको। इसको हमने ऑन किया तो गाइस ये है हैजार्ड के लिए, ये देखो इसको ऑन करते ही हैजार्ड इसका ऑन हो चुका है, यानी कि चारों इंडिकेटर इसके एक साथ जलेंगे, वो भी अलग अलग डिज़ाइन के साथ, जो कि दिन में भी विजिबल है आप देख सकते हो। अब जिन लोगों को इसमें टॉप बॉक्स लगाना है, साइड पेंडेंट्स लगाने हैं, सैडल बैग्स लगाने, तो वो लगा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना हो गया आपका लुक कुछ इस तरीके से। इसके अलावा रेडिएटर ग्रिल लगा रखी नीचे स्टेनलेस स्टील की, इसमें कभी जंग नहीं लगता। इसके अलावा यहाँ पर वाइजर लगा रखा है जो कि प्रॉपर है, लुक चेक करो कितना ज़बरदस्त है। ये प्यूक का वाइजर है ओरिजिनल, स्मोकी इसमें लुक आ रहा है, बाकी प्रॉपर अगर आपको व्हाइट चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। इसके अलावा GPS माउंट विद मोबाइल होल्डर, और जो GPS माउंट है ये भी इसका प्रॉपर है, जिसमें राइडिंग के दौरान कोई इशू नहीं आता वाइब्रेशन का, जस्ट प्लग एंड प्ले फिटिंग रहती है फॉर GS के लिए। और बाकी आप देख लो इस पर कुछ ये वाला लुक आ रहा है इसका। बाकी इसमें मोबाइल होल्डर अगर आप चाहो तो प्रॉपर वाला लगा सकते हो, बाकी ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है यार। अच्छा, जिन लोगों को लगता है कि यार इसका हैंडल बार कम्फर्टेबल नहीं है, तो उन लोगों के लिए एक है हैंडल बार राइजर्स लाइक दिस। ये जो है ये होता है जिन लोगों को लगता है कि यार अभी हैंडल बार थोड़ा सा आगे जा रहा, तो ये ऊंचा होकर आपके हाथ के पास आ जाएगा काफ़ी हद तक, जिससे आपकी राइड काफ़ी कंफर्टेबल रहती है। तो ये हैंडल बार राइजर्स हो गए, टैंक पैड थाई पैड्स इसमें लगे हुए हैं, बैक साइड में टायर हैगर लगाया था जो कि कुछ इस तरीके से है, मिट्टी वगैरह जो अंदर जाती है उसकी प्रोटेक्शन के लिए BMW की ब्रांडिंग के साथ। इसके अलावा यहाँ पर हैंड गार्ड लगा रखे हैं जिसमें आपको इंडिकेटर का भी ऑप्शन मिलता है, ये देखो इस। तो ये बाघ बशर के हैं, फुल्ली प्रोटेक्शन है आपके लीवर्स वगैरह की, आपके क्लच एंड लीवर वगैरह की। यहाँ पर क्रूज कंट्रोल भी लगा हुआ है, और इसके अलावा इसमें हॉर्न भी लगा रखी है। इसका साउंड सुना देते हैं, और इस हॉर्न का किसी भी तरीके का कोई चलान नहीं होता, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और बाकी गाइस लुक चेक करके बताओ यार आप लोगों को कैसा लग रहा है ये। बाकी ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों के पास यही वाला कलर हो, यही वाली बाइक, कोई बाइक को आप इस तरीके की मॉडिफिकेशन करा सकते हो अपनी शॉप पर एस के डी बाइक वर्ल्ड पर। एक लास्ट में आप देखोगे तो साइड स्टैंड एक्सटेंडर लगा रखा है, ये साइड स्टैंड जैकेट आ गई, इसमें कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी सारे मिल जाते हैं। और गाइज ये थी BMW GS 310 की मॉडिफिकेशन, आप लोगों को इसमें क्या चला है कमेंट करके ज़रूर बता रहा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, जिंदल गुड बाय, जय हिंद जय भारत।